कितने दिन तक मैस्टरबेट को छोड़ने से आपकी बीयर्ड दोबारा से ग्रोथ हो सकती है? अगर आपकी भी बीयर्ड नहीं आ रही है और उसका रीज़न आप मैस्टरबेट को मानते हो, हिलाने को मानते हो, तो आप अगर कितने दिन मैस्टरबेट छोड़ोगे उसके बाद आपकी बीयर्ड डेफिनेटली ग्रोथ हो जाएगी, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीयर्ड की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और बीयर्ड की प्रॉब्लम फेस वो क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ कि आप मैस्टरबेट ज़्यादा करते हो, जिसके वजह से आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम होने लग जाते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन बहुत से लोग कमेंट्स ये भी कर रहे हैं कि सर हम अगर मैस्टरबेट छोड़ दें उसके बाद हमारी बीयर्ड कितने दिन में ग्रोथ होने लग जाएगी। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि आप आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल को चेक कर सकते हैं। अगर वो 300 से 1000 के बीच में है तो प्रॉपर तरीके से बैलेंस है, आपकी बीयर्ड ग्रोथ होने लग जाएगी। अगर वो 300 से कम है तो आप सोच लेना कि भाई बीयर्ड अभी नहीं आ सकती है। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये होता है कि आप ब्रह्मचार्य का पालन करना चालू कर दोगे तो कम से कम 6 से 7 महीने में आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल बैलेंस हो जाएंगे, जिसके बाद से आपकी बीयर्ड ग्रोथ होने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जो लोग बीयर्ड से परेशान है वो भी बीयर्ड को ग्रोथ कर पाएंगे। एक सिंपल सा रीज़न होता है कि आप जितना मैस्टरबेट करोगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम होंगे, आप जितना ज़्यादा ब्रह्मचार्य का पालन करना चालू कर दोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होंगे, जिसके बाद से आपके नए बालों की ग्रोथ भी होगी, साथ में जो आपकी हेयर्स की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप फास्ट बीयर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं तो 6 से 7 महीने आप बिल्कुल भी मैस्टरबेट ना करें, बिल्कुल उस पर ध्यान ना दें, आपकी 100% बीयर्ड ग्रोथ हो जाएगी। और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए अच्छी वर्कआउट करें, अच्छी डाइट ले, ऐसे सप्लीमेंट्स का, जिससे कि आपकी बीयर्ड तेज़ी से ग्रोथ होगी, और जो आपका ऑलरेडी हेयर फॉल हो चुका है वो हेयर्स दोबारा से ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि आप अगर बीयर्ड शेव करते हो तो बीयर्ड को शेव करना भी बंद कर दें, वो ऑटोमेटिक आपके हेयर्स आपको दिखने लग जाएंगे मेरी बीयर्ड कितनी ग्रोथ हो रही है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो 6 से 7 महीने में आपकी प्रॉपर बीयर्ड ग्रोथ हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस यू अगेन।